जय हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, ग्राम पंचायत की तरफ से सचिव के पदों पर निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं ग्राम पंचायत सचिव वैकेंसीज 2023 के लिए, तो देखिये यहां से आप इजिली चेक कर सकते हैं। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के लिए ग्राम पंचायत सचिव के पदों पर भर्ती होने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। और हाल ही में मिली खबर के अनुसार पंचायत सचिव के 3000 पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसके लिए दोस्तों जो भी कैंडिडेट अपना 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर चुका है, 12वीं क्लास पास कर चुका है, वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में जो आपकी आयु सीमा यहां पर रखी गई है, ये 18 से 30 साल रखी गई है। सो मिनिमम एज आपके लिए 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2023 के लिए वैकेंसीज के ओवर व्यू के बारे में, तो देखिए यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं। जो आपका विभाग का नाम रहेगा, ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रहेगा, मतलब कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से आपकी इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। पद के नेम के बारे में बात करें तो ग्राम पंचायत सचिव के पद पर आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। एंड टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 3000 प्लस एक्सपेक्टेड पद आपके लिए रखे जाएंगे। सो काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। एंड योग्यता आपकी जो है, जो भी कैंडिडेट 10वीं क्लास पास कर चुका है, 12वीं क्लास पास कर चुका है, वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड दोस्तों वेतन मान के बारे में बात कर लें कि आपको यहां पर सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो देखिए 12,500 रुपए आपको यहां पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा। सो काफी अच्छा खासा बेसिक पे स्केल आपको दिया जाएगा। साथ ही में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जितने भी अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे के सारे अलाउंस आपको यहां पर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपकी जो आयु सीमा यहां पर रखी गई है, ये मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। So, 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एज में छूट दी जाएगी, मतलब कि मैक्सिमम 35 साल एज लिमिट रखी जाएगी, और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट दी जाएगी। इसका मतलब कि दोस्तों 33 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट हैं तो। एंड इसी के साथ में दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन रहेगी, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एंड इसी के साथ में दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो देखिए जो भी कैंडिडेट अपना जो है 10वीं क्लास पास कर चुका है, 12वीं क्लास पास कर चुका है, वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे आपने ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी जो है ये क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया हो, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से जो है आपने अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इसके एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर रीड कर लें। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो देखिए 18 से 30 साल एज लिमिट आपकी रखी गई है। साथ ही में जो भी एज रिलैक्सेशन आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट को या फिर एक्सेसमेंट कैंडिडेट को जो भी यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसके लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, तो देखिए यहां पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, जिसमें आपका दस्तावेज सत्यापन करवाया जाएगा, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, और आपको यहां पर मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। सो मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सीधी भर्तियां आप सभी के लिए रहने वाली है, कोई भी किसी भी प्रकार का जो है एग्जाम आपका यहां पर कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, आप सभी के लिए सीधी भर्तियां रहेंगी, तो आपको यहां पर कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। ओनली जो है आपके 10th के और 12th के जो भी आपके जो है नंबर रहेंगे, उन्हीं के आधार पर जो है आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई के बारे में, कि आप इस भर्ती के लिए किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको कुछ स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर देना, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है, ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड इसी के साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लें, तो देखिए यहां पर जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट है, ये बहुत ही जल्दी जो है रिलीज कर दी जाएगी, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया जाएगा। सो नवंबर 2023 के फर्स्ट वीक में या फिर जो है सेकेंड वीक में आपको ये भर्तियां देखने को मिल जाएंगी, और आप इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो इस भर्ती से संबंधित अगर कोई भी नई अपडेट निकल करके आती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल
ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।